पाठ पाँच, बुद्धिमान काक इस्मा प्रयोगा। एकस्मिन बने एकह महावृक्ष आसीत। किसी जंगल में एक बड़ा पेड़ था। तत्र कश्चन काक स्वपत्न्या सबस्मि स्म। वहाँ कोई कुआ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वृक्षस कोटरे एकह कृष्ण सर्प अपि बसति स्म। पेड़ के खोखले में एक काला सांप भी रहता था। यदा तो प्रातः आरार्थ गच्छत। जब वे दोनों सुबह भोजन के लिए जाते थे। इस्मा तदा सर्प वृक्षे आरुहा काक शिशुना खादन्ति इस्मा। तब सांप पेड़ पर चढ़कर कोए के बच्चों को खा जाता था। इतेन काकह काकी च महत दुखम अनुभवत इस्मा। इससे कोए और कौवी को बहुत दुख होता था। अथ एकदा काकी अवदत। तब एक दिन कौवी ने कहा, हे प्रिय स कृष्ण सर्प अस्माकम अप्त्यान खादति। वह काला सांप हमारी संतानों को खाता है। भवान कमपि उपायम चिंतयतु इति। आप कोई उपाय सोचिए। काका एकम उपायम सूचितवान। कोई ने एक उपाय सोचा। तत् श्रुत्वा काकी संतुष्टा अवत। उसे सुनकर कौवी संतुष्ट हो गई। तदंतर काका सरोवर अगच्छत। उसके बाद कुआ तालाब को गया। यत्र नृपस्य पुत्र स्नान करोति स्म। जहाँ राजा का पुत्र स्नान करता था। तस्य वस्त्राणि आभराणि च सरोवस्य शोपानेषु आसन। उसके वस्त्र तथा आभूषण तालाब की सीढ़ियों पर रखे थे। योजनानुसारेण काकः एक सुवर्णहार चच्छु प्रदेशे धृत्वा वनम आगच्छत। योजना के अनुसार कुआ सोने का एक हार चौंच में लेकर जंगल आ गया। तत् दृष्ट्वा राजसेवका काकम अनुसृतवत। यह देखकर राजा के सेवकों ने कुओं का पीछा किया। काकः महावृक्षस्य कोटरे तम हारम अक्षिपत। कुए ने बड़े पेड़ के खोखले में वह हार फेंक दिया। राजसेवका कोटरे तम हारम अपशयन। राजा के सेवकों ने उस हार को खोखले में देख लिया। तदा तत्र स्थित कृष्ण सर्प बहिम आगच्छत। तब वहाँ स्थित काला सांप बाहर आया। राजसेवका सर्पम अमार्यन। राजा के सेवकों ने सांप को मार दिया। अनंतरम हारम अनियन। इसके बाद हार ले लिया। अंते बायस दंपति प्रसन्ना अभवत। अंत में कुआ दंपति प्रसन्न हुए। उच्चतम उक्त सही कहा है। उपायेन हिम यत सक्यम न ततम सक्यम पराक्रमी। उपाय से जो हो जाता है वह बहादुरी से नहीं होता है। अब हम इसके बाद में आपको पाठ का मूल्यांकन बता रहे हैं। मौखिक उत्तर है। मौखिक उत्तरों में महावृक्ष कुत्र आसीत। उत्तर है इसका बनी। खा है महावृक्ष का बस्ती स्म। उत्तर है काक। गा है काक कया सह बसती स्म।
स्वपत्नया सह, यह इसका उत्तर है। घा राज सेवका कम अमारियन, तो इसका उत्तर है सर्पम। इसके बाद में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनने के लिए इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें का है एकस्मिन बने, एक बीच में आपको भरना है, सिंह वृक्ष और महावृक्ष, तो इसमें महावृक्ष सही है। एकस्मिन बने एक महावृक्ष आसीत। दूसरा है ख काकह काकी चा महत, इसमें पहला है सुखम, दूसरा दुखम, तीसरा प्रसन्नम, इसमें से आपको दुखम भरना है। काकह काकी चा महत दुखम अनुभवत स्म। तीसरा है उपायम श्रुत्वा काकी, नंबर एक संतुष्टा, नंबर दो दुष्टा, नंबर तीन असंतुष्टा, तो इसमें आपको संतुष्टा भरना है। उपायम श्रुत्वा काकी संतुष्टा अवत। इसके बाद शुद्ध और अशुद्ध, इसमें आपको कुछ वाक्य हैं जो आपको शुद्ध और अशुद्ध करके बतानी है। पहला है का एकस्मिन बनी एक महावृक्ष आसी, यह सही है। खा है तत्र काकह पुत्रेण सह बसमी इसम, असत्य है। ग काकह काकी च महत सुखम अनुभवत इसम, असत्य है। इसके बाद में है रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है, तो इसमें जैसे मैं एक दो उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। यथा काकस्य पत्नी चिंतिता आसीत, इसमें आंसर इसका जो उत्तर होगा वो है कस्य पत्नी चिंतिता आसीत। अब ऐसे ही दूसरा है का काकह पत्नया सह बसमी इसम, तो उत्तर में काकह कया सह बसती इसम। तदा सर्प वृक्षे आरुआ काक शिशुना खादती इसम, तदा का वृक्षे आरुआ। इस प्रकार रिक्त स्थान भी आपको करने हैं, जिसमें क काकह कुत्र, इसमें बस दिया हुआ है, पट दिया हुआ है, खाद दिया हुआ है, तो इसमें क काकह कुत्र अवसत। ख युवा कदा अपठय, गा स कृष्ण सर्प अपत्यान अखादत। इसके बाद निम्न पदों की विभक्ति और वचन भी आपको लिखनी है। पहले पद विभक्ति वचन, क पद्मया विभक्ति तृतीय वचन एक, ख अस्माकम विभक्ति षष्ठी वचन बहुवचन, ग बने सप्तमी विभक्ति द्विवचन, घा सर्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन।